सिनेमा पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। कोरोना की दूसरी डोज लगाने को 6 से अभियान। कोरोना की दूसरी डोज लगाने के लिए 6 जून से विशेष अभियान चलेगा। घर घर जाकर दस्तक होगी। अभियान 24 जून तक चलाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना का प्रकोप कम होने से लोग लापरवाह हो गए थे। बता दें कि कुछ लोगों ने कोरोना की दूसरी डोज भी नहीं लगवाई है। वहीं 6 जून से 24 जून तक एक विशेष अभियान चलाकर वैक्सीन लगवाई जाएंगी। शनिवार को तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम संगीता राघव ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस में 36 शिकायतें आईं, जिनमें किसी का भी मौके पर निस्तारण नहीं हो सका, जिनमें अवैध कब्जा, पेंशन, भूमि विवाद, चक्रोड से संबंधित मामले प्रमुख रूप से आए। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी उपस्थित रहे, जिसमें जिला कार्य समिति को संबोधित करने के लिए पहुंचे जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के विषय में चर्चा की, आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि जिस पदाधिकारी व कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है उसे जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहिए। वहीं जिस संगठन के कार्य में लगाए गए उन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए सभी कार्यक्रम सफल करना है। जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अब तक हमें जितने भी अभियान मिले हैं उन सभी अभियानों में सहारनपुर नंबर 1 स्थान पर रहा है। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर भड़की आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में कश्मीरी पंडितों और नागरिकों की हत्याओं के विरोध में किया प्रदर्शन। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और निशाना साधा। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि सन 1990 के दशक में भी कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी। भाजपा शासन काल में भी कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की जा रही है। वहीं आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश दैया ने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं योगेश दैया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। पिछले एक माह से जो जम्मू कश्मीर के हालत बद से बदतर हो गए, 1990 से भी ज़्यादा खराब हालात हो चुके हैं। वहाँ पर करीब पिछले 26 दिनों में 17 नागरिकों की हत्याएं हो चुकी हैं और अब तो हालात ये हैं कि वहाँ का जवान भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ अध्यापिकाओं को स्कूल में मारा जा रहा है, बैंक में बैंक मैनेजरों को मारा जा रहा है, जो वहाँ पर बाहर से गए हुए मजदूर हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और अभी पिछले 2 दिन में 500 से ज़्यादा लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं कश्मीर से, और करीब 3,000 लोग वहाँ बस अड्डों पर, हवाई अड्डों पर बैठे हुए हैं वहाँ से पलायन करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि गृह मंत्रालय पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से हम लोगों ने आज जिलाधिकारी सहारनपुर के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि वो इसमें सीधी दखल दें और वहाँ पर दिशा निर्देश जारी करें कि जम्मू कश्मीर की हालत सामान्य हो सके और वहाँ पर जो है आम नागरिक और कश्मीरी पंडित जीवन जी सके। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर बुतेश्वर महादेव मंदिर में आज श्री बुतेश्वर महादेव प्रबंधक समिति द्वारा प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर स्वामी देवी के नंदन के निर्देशन में विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के सहारनपुर विशति 21वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर भव्य रासलीला का आयोजन श्री वृंदावन रासलीला संस्थान वृंदावन द्वारा किया गया। बता दें कि जिसके बारे में कार्यक्रम संयोजक मुकेश गोयल सीए द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें योगेश गुप्ता, अरविंद गुप्ता, जगमोहन लाल गोयल, आशु अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, योगाचार्य आचार्य पंडित योगेश दीक्षित द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ये राशि का 3 जून से 8 जून तक चलेगी। बता दें कि जिसमें रासलीला का विस्तार पूर्वक बताया गया। सहारनपुर रासलीला में आज श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप और उनके द्वारा माखन चोरी की सुंदर लीला का वर्णन किया गया। प्रेमिका को चलती बाइक से गिराकर हुआ फरार प्रेमी। सोशल मीडिया पर हुआ था प्यार। थानाध्यक्ष के एक गांव के रहने वाली युवती की सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हो गई। मोबाइल पर हुई दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 7 जन्मों तक एक दूजे का साथ निभाने का वायदा भी कर लिया। सोशल मीडिया पर हुई प्यार की मीठी बातें आखिरकार मुलाकात तक पहुंच गई।
युवक ननोता थाना क्षेत्र के गांव से प्रेमिका का दीदार का सपना लेकर बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई। बाइक पर बैठकर सफर करते हुए प्यार की बातें परवान चढ़ गई। प्यार मोहब्बत की बातें कर जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाला युवक युवती को चलती बाइक से गिराकर फरार हो गया। घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। समर कैंप का रंगारंग समापन। 10 दिन से चल रहे समर कैंप का शनिवार को समापन हो गया। कस्बा अम्बेटा में नकुड़ रोड पर आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में 10 दिन से चल रहे समर कैंप में छात्र छात्राओं ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स व सांस्कृतिक शिक्षा का प्रशिक्षण लिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समर कैंप बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए लगाया जाता है, जिससे बच्चे समाज के साथ साथ अन्य खेलकूद प्रतियोगिता में भी अपना स्थान प्राप्त कर सके। प्रबंध समिति के अंकुर अग्रवाल, कुलदीप मित्तल, निखिल आर्यन आदि ने बच्चों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। श्री दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आचार्य श्री 108 भारत भूषण जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रुतु पंचमी महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जिनवानी माँ की आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने जिनवानी माँ की पालकी को लेकर मंदिर की परिक्रमा की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए जैन मुनि ने कहा कि यदि जिनवानी माँ न होती तो हमें धर्म का ज्ञान कैसे होता। हमें जिनवानी माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बता दें कि पालकी में जिनवानी माँ को विराजमान करने का सौभाग्य श्री राहुल जैन, अक्षत जैन व जैन सराध्य निवासी को प्राप्त हुआ। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।